डी फार्मेसी बी फार्मेसी जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, एग्जिट टेस्ट भी अभी तो काफी सारे जो कॉलेजेस हैं वो बैक डेट के ऐसी डिग्रियां आपको दे देते हैं जिसमें एग्जिट टेस्ट फॉल नहीं करता। तो अब दोस्तों आपने डिग्री तो ले ली, आपने मार्कशीट्स तो ले ली, बट होने वाली समस्याएं क्या होंगी? कोई भी ऐसा एविडेंस ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको देती नहीं जिसके एवज में आप इनसे लड़ सको। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी आप समझ लो, अगर आप किसी भी जुगाड़ से अपनी कोई डिग्री लेने के मूड में है। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा है, खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने डी फार्मेसी बी फार्मेसी किसी भी जुगाड़ से सेटिंग से किसी भी तरह से अगर डिग्री को खरीदा है तो आपके साथ जो परेशानियां होंगी या जो परेशानियां होने वाली है उन सब से आज मैं आपको अवगत कराऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। जिन भी स्टूडेंट्स ने रेगुलर में कोर्स किया है डी फार्मेसी बी फार्मेसी, उनके ज्यादा काम का नहीं है बट फिर भी उन्हें अवेयर रहना चाहिए जो समस्या फ्यूचर में उनके साथ में हो सकती है, क्योंकि डी फार्मेसी बी फार्मेसी जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, एग्जिट टेस्ट भी अभी तो काफी सारे जो कॉलेजेस हैं वो बैक डेट के ऐसी डिग्रियां आपको दे देते हैं जिसमें एग्जिट टेस्ट फॉल नहीं करता है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी सेटिंग से डिग्री ले रहे हो तो जेल जाना पड़ सकता है ऐसे स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। रजिस्ट्रेशन अगर हो भी गया तो बाद में इंक्वायरी हो जाएगी, और अगर फिर भी आप क्लियर कर जाते हो तो भी फ्यूचर में कोई ना कोई आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल के आपके उस केस की डिटेल्स मांग सकता है, आपके एडमिशन की डिटेल्स मांग सकता है, तो आपके साथ समस्याएं हो सकती है। डी फार्मेसी की है, बी फार्मेसी की है, किसी भी तरह सेटिंग से तो क्या परेशानियां होंगी और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं डी फार्मेसी पर बी फार्मेसी पर, सब कुछ आपको बताया, उसकी फीस क्या होती है, बेस्ट कॉलेज कौन से होते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे आप लाइसेंस लेते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है एडमिशन का, एलिजिबिलिटी क्या है, सब पर वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों आप में से किसी भी स्टूडेंट ने किसी की भी बातों में आकर, मान लीजिए कोई एजेंट हो सकता है, कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो सकती है, जिसने भी आपका माइंड वॉश किया और आपको बताया कि हम इस किस सेटिंग से आपको डिग्री दिलवा देंगे और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब दोस्तों आपने डिग्री तो ले ली, आपने मार्कशीट्स तो ले ली, बट होने वाली समस्याएं क्या होंगी? मान लीजिए किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने डॉक्यूमेंट्स को खरीद लिया तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने पहले वेरीफाई नहीं करवाया, तो बाद में जब उसकी वेरिफिकेशन जाएगी आपकी उस यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, तो वो हो सकता है फीस आपसे दोबारा से मांगे। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री एलओआर ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ लड़ाई कर नहीं सकते, आप उनसे लड़ पाओगे नहीं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, कोई भी ऐसा एविडेंस ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको देती नहीं जिसके एवज में आप इनसे लड़ सकते। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी आप समझ लो, अगर आप किसी भी जुगाड़ से अपनी कोई डिग्री लेने के मूड में है तो आपके पास होना चाहिए आपका पहले तो एडमिट कार्ड, फीस की सारी रसीद, आपका एडमिशन लेटर, ये भी आपके पास होना चाहिए, साथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, अगर अटेंडेंस सर्टिफिकेट आप ले सकें तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हालांकि अटेंडेंस सर्टिफिकेट इतना इजीली ये लोग देते नहीं, जल्दी से देंगे नहीं, बट जैसे आप देखोगे LLB करके जब स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं तो वहाँ बार काउंसिल में देना पड़ता है अटेंडेंस सर्टिफिकेट, तो वो स्टूडेंट्स भी तो लेते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी तरह से अगर डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है, और साथ में ही डॉक्यूमेंट लेने से ही बस बात नहीं बनेगी, साथ में ही उन डॉक्यूमेंट्स को जितना अच्छी तरह से हो सके वेरीफाई करवा लें। फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही दें, अगर आप ऐसा कुछ जुगाड़ से ले रहे हो तो फीस अगर आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दी है तो कम से कम कभी भी फ्यूचर में अगर आप बैठ के उनसे बात तो कर सकते हो कि मैंने फीस दी है आपकी यूनिवर्सिटी को, इस वक्त मैंने फीस दी थी, उसकी रसीद मुझे ये मिली थी। हो सकता है कि आपको रसीद ना भी मिले, बट आपके पास अगर वो ट्रांसफर की रसीद भी अगर है तो उससे भी आपकी दोस्तों बात बन सकती है, क्योंकि आपने डी फार्मेसी कर लिया। दोस्तों डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, 2 साल में इसके एग्जाम्स होते हैं, यहाँ आपको पता होना चाहिए मेडिसिन के बारे में, आपको मेडिसिन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है,
आपने कंप्लीट कर ली डी फार्मेसी, आपने जाके लाइसेंस भी ले लिया, तो मेडिसिन के बारे में बताओगे किसको? क्योंकि आप कभी भी रेगुलर पढ़ने के लिए तो गए नहीं। पर ऐसे में मैंने ये भी देखा है कि बी फार्मेसी डी फार्मेसी में जो लोग इस तरह की डिग्रियां लेते हैं तो ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पर। इन्हें अच्छी तरह से नॉलेज होती है मेडिसिन की। आपको बहुत नॉलेज है, आपने इस तरह से डिग्री ले ली है तो बात एक समझ आती है, बट फिर भी डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई करा के रखें, वरना यही यूनिवर्सिटीज कल आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से मना कर देगी। बात सिर्फ पैसे की नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, बात यह है रेपुटेशन भी जाएगी, जेल भी आपको जाना पड़ सकता है और जल्दी से आपकी बेल होगी नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स को लेने से पहले आप जो मैंने आपको बातें बताई है उन सब चीजों को अच्छे से आप समझ लें, जान लें। इसी तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं डी फार्मेसी पर तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। अपने किसी भी मैटर में बात करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करना चाहते हैं, वेरीफाई करवाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं या आपकी समस्या में फंस गए उससे निकलने का समाधान चाहते हैं, तो भी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हमारे किसी रिप्लाई से हो सकता है आपको कोई मदद हो सके और आपको हेल्प मिल सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।